हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। आज का टॉपिक है कि एडवांस सैलरी के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे SSOID के माध्यम से। आइए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए। सबसे पहले हम जो फाइनेंस की तरफ से ऑर्डर जारी हुआ है उसे एक बार देख लेते हैं, या मैंने उसे डाउनलोड कर लिया है। ये 31 मई 2023 को जारी किया गया है। इस प्रत्येक सरकारी कर्मचारी अब एडवांस सैलरी के लिए 1 जून से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और ये मॉड्यूल भी अब लाइव हो गया है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ कि एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान कैन अवेल दिस फैसिलिटी एज पर दियर रिक्वायरमेंट एंड एलिजिबिलिटी। अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग और जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये फैसिलिटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्रोवाइड की गई है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में ये है कि आप अपनी नेट सैलरी का केवल 50% यहाँ से एडवांस सैलरी के रूप में अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 है, नेट सैलरी आपकी 50,000 है, तो आप उसका हाफ 25,000 तक एडवांस सैलरी के रूप में अप्लाई कर सकते हैं। बट वन टाइम में आप केवल 20,000 की लिमिट ही निर्धारित की गई है और जो GST लगेगा उसके और टैक्स लगेगा, तब जाके आपको एडवांस सैलरी पे हो पाएगी। इसके बाद एक पॉइंट और है कि अगर एम्प्लॉय अपनी एडवांस सैलरी 21 तारीख तक महीने के अप्लाई कर देता है तो उसी महीने की सैलरी से उसकी एडवांस सैलरी रिकवर हो जाएगी। अगर 21 तारीख के बाद वो अप्लाई करता है तो नेक्स्ट मंथ की सैलरी से उसकी जो भी एडवांस सैलरी है वो उसकी रिकवरी हो जाएगी। ये OTP बेस्ड रहेगा। आइए एक बार प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे SSO ओपन कर लेंगे। SSO ओपन करने के बाद आप सबसे पहले आपकी यूजर ID और पासवर्ड मेंशन कर दीजिए इसमें। इसके बाद पासवर्ड डालेंगे। इसके बाद कैप्चा कोड इंसर्ट करेंगे। इसके बाद हमें लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद ये वापस से पासवर्ड डालने के लिए बोल रहा है, एक बार और पासवर्ड इंसर्ट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ चेकबॉक्स पे क्लिक करके आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही आपके पास एक होम पेज प्रदर्शित होगा। यहाँ मैंने IFMS 3.0 यहाँ दिख रहा है, आप कर्सर ले जा सकते हैं। बहुत से लोगों की डायरेक्ट ये ऑप्शन नहीं दिखेगा, आप यहाँ जाके सर्च करेंगे तब भी नहीं मिलेगा। आपको डायरेक्ट सबसे पहले अदर एक्टिव एप्स में जाना है और यहाँ पे क्विक सर्च में जाके IFMS टाइप करना है। आप देखेंगे कि आपको वो ऑप्शन मिल गया है, यहाँ से इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको दो तरह के ऑप्शन प्राप्त होंगे, एक्सेस वर्क स्पेस एंड एक्सेस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। आपको यहाँ एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा राज FMS का। आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे तरह के ऑप्शन आपको मिल गए हैं। यहाँ माई इन्फॉर्मेशन देखिए, सबसे पहले यहाँ आप आपकी सैलरी पे स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से सैलरी स्टेटमेंट, फॉर्म 16, बहुत सारी तरह की इन्फॉर्मेशन इसमें वापस से अपडेट भी होगी। अभी ये पोर्टल पूरी तरह से अपडेट नहीं हुआ है, केवल इसमें अभी सिर्फ आप यहाँ देखेंगे ये अर्नड सैलरी एडवांस का मॉड्यूल लाइव किया गया है। यहाँ SI प्रीमियम, GPF प्रीमियम, सब प्रीमियम आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अभी कमिंग सून इसमें लिखा हुआ है, इसका मतलब है अभी ये पोर्टल अपडेटेशन में है। आप यहाँ से इन फ्यूचर GA 55 भी डाउनलोड कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको इसी पोर्टल पर मिल जाएगी, यहाँ से आप आपकी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। चलिए अब प्रोसेस स्टार्ट करते हैं आगे का। सबसे पहले आपको यहाँ पे अर्नड सैलरी एडवांस पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके पास यहाँ पे एक ओपन होगा। अगर ये यहाँ से क्रॉस कर देंगे, जैसे आप क्रॉस करेंगे उसके बाद आपको नीचे जाके दो तरह के ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ आपको देख लेना है एक बार। यहाँ वैसे लिखा हुआ है साइन अप फॉर दिस फैसिलिटी एट IFMS सर्विस प्रोवाइडर, कंप्लीट द KYC, अवेल द फैसिलिटी ऑफ अर्नड सैलरी एडवांस ड्रॉल एक्सेस। इसके बाद आपको नीचे आना है, दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, चूज अ सर्विस प्रोवाइडर, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ प्रोसीड कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे आपको यहाँ ऑप्शन मिलेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको दिया हुआ है अप टू 50%, अप टू
20,000, यहाँ इसका मतलब है कि आप 20,000 से ज़्यादा एक बार में विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, मतलब अप्लाई नहीं कर सकते हैं एडवांस सैलरी के लिए, चाहे आपकी नेट सैलरी कितनी ही हो, आपको एक बार में अमाउंट 20,000 ही पे करना होगा। उसके बाद आप थोड़ा नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए, तो आपको यहाँ पे व्यू का ऑप्शन मिलेगा। व्यू पे क्लिक करके देखते हैं एक बार, यहाँ देखेंगे कि एडवांस अमाउंट में जो भी आप अप्लाई करते हैं 0 से 300 रुपये तक, तो आपको यहाँ 11 रुपये इंक्लूडिंग GST देना होगा। 301 से 1,000 रुपये में 22 रुपये, 1,001 से 3,000 में 57 रुपये, 3,000 से 5,000 में 81 रुपये, 5,000 से 10,000 में 116 रुपये, और 10,000 से 20,000 में आपको 234 रुपये यहाँ एक्स्ट्रा पे करने होंगे। इसको पे करने के बाद ही आप अप्लाई कर पाएंगे। अभी मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। इसके बाद हमें यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया हुआ है व्यू अंडर टैकिंग का, इस पर क्लिक करेंगे। व्यू अंडर टैकिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एम्प्लॉय का फुल नेम दिख जाएगा, एम्प्लॉय आईडी दिखेगी, आपका डिपार्टमेंट, आपका कॉन्टैक्ट नंबर दिखेगा। अभी मेरा एम्प्लॉय फुल नेम यहाँ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये पोर्टल अपडेटेशन में है, रनिंग में है, अभी इसको अपडेट होना बाकी है। इसके बाद हम यहाँ वेरीफाई वी ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी जाएगा, आप उस ओटीपी को यहाँ से ले लीजिए और इसको यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। यहाँ मैं ओटीपी इंसर्ट कर देता हूँ। ओटीपी इंसर्ट करने के बाद आपको यहाँ से प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे द अंडरटेकिंग डिटेल्स आर सेव्ड सक्सेसफुली, जो भी आपने व्यू अंडरटेकिंग करी है वो डिटेल्स यहाँ पे सक्सेसफुली हो गई है अपडेट। इसके बाद हम यहाँ प्रोसेस चलने देते हैं। अभी थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा है, इसके बाद हमें वापस से एक डैशबोर्ड ओपन होगा। हमें वापस से डैशबोर्ड पे जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे वापस से, जब हम पहले देख रहे थे यहाँ पे तो हमें दिख रहा था अर्न सैलरी एडवांस, अब आपके पास वो व्यू अंडरटेकिंग का ऑप्शन यहाँ पे खत्म हो गया है। अब आप इस पे वापस से क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि ओवरव्यू माय एडवांस सैलरी, जो मेरी नेट ग्रॉस इनकम, नेट इनकम है, वो यहाँ शो हो रही है यहाँ, और जो मैंने अभी अमाउंट इसके लिए अप्लाई किया है वो 0 है, यहाँ पे हम इजीली देख सकते हैं इसको। अब रिक्वेस्ट अ न्यू एडवांस, यहाँ पे हम रिक्वेस्ट अ न्यू एडवांस पे क्लिक करेंगे। इस पे हमें क्लिक करना है यहाँ पे। जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे, हमें जितना भी अमाउंट चाहिए वो यहाँ पे हम डाल देंगे हमारी सैलरी के अकॉर्डिंग। अभी यहाँ मेरा जो अमाउंट शो हो रहा है ये डे वाइज शो हो रहा है, अभी आज जो तारीख है मैं इतने ही अमाउंट के लिए एलिजिबल हूँ। आप आगे 14-15 तारीख तक इसको अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ फुल 20,000 तक का अमाउंट शो हो जाएगा। अभी मैं आपको डेमो देने के लिए यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल अमाउंट फीड कर देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ प्रोसीड करना है, अमाउंट टू बी विड्रॉन, उसके बाद यहाँ ट्रांजेक्शन फीस नेट अमाउंट दिख रहा है, उसके बाद आप यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। इसको कंफर्म करने के बाद एक्सेप्ट एंड सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, ये आपको मैसेज देगा। उसके बाद आपके पास एक पॉपअप ओपन होगा थोड़ी ही देर में, आपको इसे बिल्कुल भी टच नहीं करना है। और आपको यहाँ देखेंगे यहाँ सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है, योर रिक्वेस्ट आईडी हैज बीन रिसीव्ड एंड द अमाउंट विल बी क्रेडिट टू योर बैंक अकाउंट शॉर्टली। इसका मतलब है कि जो भी आपने एडवांस सैलरी के लिए अप्लाई किया है वो सक्सेसफुली यहाँ पे रिसीव्ड हो गई है वो आईडी, और कुछ ही दिनों में आपके पास वो बैंक अकाउंट में शॉर्टली क्रेडिट हो जाएगा। इस तरह आपको सभी को एडवांस सैलरी के लिए अप्लाई करना है। बट अभी आप एडवांस सैलरी के लिए अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि अभी पोर्टल पे अपडेटेशन चल रहा है, उसे पूरा अपडेट हो जाने दीजिए। ये वीडियो सिर्फ मैंने आपको प्रोसेस कैसे करनी है, क्या क्या प्रोसेस की जानी है, इसलिए बनाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।